पर महादेव। तो गाइस आज आप लोग को दिखाने वाले हैं रांची का सबसे बेहतरीन दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि रांची रेलवे स्टेशन में बना हुआ है। और इस बार इस पंडाल का थीम है आदियोगी, बहुत ज़्यादा यूनिक है। और आज आप लोगों को इसका लेजेस्ट शो भी दिखाने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और झारखंड में पहली बार ऐसा पंडाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाने वाले। और जैसे आप लोग गेट में आइएगा तो यहाँ पे महादेव का एक मूर्ति बनाया गया, उसका दर्शन करके आप लोग को केदारनाथ का भी दर्शन करने को मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ का यहाँ पे गेट बनाया गया। और अंदर जाते ही आप लोग को आदियोगी का दर्शन करने को मिल जाएगा। और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे लेजेस्ट शो स्टार्टिंग होने वाला है, तो आइए आप लोग को लेजेस्ट शो दिखाते हैं। गाइस लेजेस्ट शो तो खत्म हो गया, आप लोग को पंडाल का नज़ारा दिखाते कि पंडाल का जो डिजाइन किया गया किस तरह से किया हुआ है। जैसे लेजेस्ट शो जितना यूनिक था, पंडाल का डिजाइन भी उससे भी ज़्यादा यूनिक बनाया गया। जैसे यहाँ पे 200 से अधिक शिवलिंग तैयार किया गया, जो कि साइड में रखा गया। उसके बाद त्रिशूल भी यहाँ पे रखा हुआ है, सब महादेव से रिलेटेड बनाया गया। महादेव से जितने भी है, जैसे अघोरी बाबा होते हैं, शिवलिंग होते हैं, उसके बाद त्रिशूल होते हैं, सब चीज़ को यहाँ पे लगाया गया है। और जो मंदिर में जो घंटी होता है उसको भी लगाया गया, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। अभी आप लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर में आप लोग को दिखाते हैं। अंदर में जैसे आप लोग प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे साइड साइड में आप लोग को दिखेगा डिजाइन किया हुआ, और उसके अंदर में आप लोग को अघोरी बाबा दिख जाएगा। और इसका डिजाइन किया गया है, जो बोतल होता है प्लास्टिक का, उसके बाद डिस्पोजल का जो कप होता है उससे डिजाइन किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लकड़ी का भी यूज किया गया है। और माँ भवानी की जो प्रतिमा बनाया गया है बहुत ज़्यादा मनमोहक है। और अंदर आप लोग को बाहर का लेजेस्ट शो तो दिखा दे कितना ज़्यादा यूनिक था, और इस बार रांची में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसा मौका मत गवाएं, आप लोग आ जाइए, इस पंडाल को सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये सबसे अलग है और सबसे यूनिक है। और लेजेस्ट शो का स्टार्टिंग टाइम हो जाता है 6 बजे, 6 बजे से आप लोग 4 बजे के बीच कभी भी आप लोग आ सकते हैं और लेजेस्ट शो देख सकते, उसका आनंद ले सकते। और इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है, क्योंकि यूनिक बना हुआ है, तो कोई लोग आ रहे देखने के लिए इस पंडाल को। तो आप लोग भी आइए, और अंदर का नज़ारा तो आप लोग को दिखा दे कितना ज़्यादा यूनिक बनाया है इस बार। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।